तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम तक के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है हरी शंकर पाल और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम तक के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड आज के वीडियो में मैं आपको जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के जो है 75 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन जो है रेलवे LPCVT 2 में पूछे गए प्रश्न है। तो फ्रेंड कुल यहाँ पर जो है हमारे चैनल पर आपके एग्ज़ाम के लिए UPPCL TG 2 के एग्ज़ाम के लिए, अदरवाइज़ जिसमें भी इलेक्ट्रीशियन पूछे जाते हैं सभी एग्ज़ाम के लिए जो है ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो हमारे चैनल पर जो है स्पेशल 9 वीडियो अपलोड होंगे, जो कि रेलवे LPCVT 2 में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से जो है पूछे गए सभी क्वेश्चन होंगे। तो ये पहला वीडियो है जिसमें होंगे 75 क्वेश्चन। इसके अलावा फ्रेंड आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा फ्रेंड आप इसकी प्लेलिस्ट यहां पर दी गई है, तो आप जाकर जो है सभी वीडियो को देख सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आपको जो है ढेर सारे जो है मुझसे चैट करने का भी मौका आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड आज की वीडियो शुरुआत किया जाए और यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के 75 क्वेश्चन देख लिए जाएँ, किस प्रकार के क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं इलेक्ट्रीशियन के पार्ट पे। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन जो है 23 जनवरी के फर्स्ट पाली में जो है पूछे गए थे। उसके बाद अदरवाइज जो है सभी वीडियो यहाँ पर अपलोड होंगी, तो सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था धारा नियंत्रण करंट कंट्रोल मोड का प्रयोग जो होता है ये किया जाता है किसके लिए। तो ये किया जाता है यहाँ पर बैटरी की सतत कांस्टेंट चार्जिंग के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो काफ़ी सरलतम क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त जेल कौन सा होता है। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में जो होता है सिलिका जेल भरा होता है, तो ये पूछा गया था। और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, यूटिलिटी पोल निम्नलिखित में से किसे सहारा देने के लिए उपयोग किया जाने वाला खंभा, कॉलम या पोस्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर था, सिरोपरि विद्युत लाइनों, फाइबर ऑप्टिकल केबलों और मार्ग प्रकाश लाइटों को जो है इसका करेक्ट आंसर था। चौथा सवाल यहाँ पर पूछा गया था, भूमिगत तार डालने की सबसे आसान विधि क्या है। तो भूमिगत तार डालने की सबसे आसान विधि कौन सी होती है, प्रत्यक्ष गढ़ाई, डायरेक्ट ब्यूरल जो है इसका करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर था। पांचवा क्वेश्चन था, किसी दिए गए विकल्प में से उपभोक्ता वितरण के लिए प्रयुक्त ट्रांसफार्मर कुंडलन वाइंडिंग परिवर्तन की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर एक जो है इसका करेक्ट आंसर था, डेल्टा से स्टार। तो छठा क्वेश्चन आया था, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा IE नियम बिजली के झटके से पीड़ित लोगों के पुनर्जीवन बहाली को महत्व देता है। तो ये नियम था कटआउट नियम 44 जो है इसका करेक्ट आंसर था। ISI कोड के अनुसार भूसंपर्कन संयोजन के लिए प्रयुक्त तार की अनुशंसित रंग कौन सा होता है, तो ये रंग होता है हरा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर था। तो अगला सवाल था, 2 वोल्ट और 4 AH की बैटरी के 4 सेलों को समांतर क्रम में जोड़कर बनाई गई बैटरी की कुल वोल्टेज यहाँ पर निकालना था। तो जिसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 2 वोल्ट इसका जो है करेक्ट आंसर था। बैटरी की रेटिंग जो होता है ये किस में नापी जाती है, ये पूछा गया था। तो इसकी रेटिंग एम्पियर घंटा में नापी जाती है। ट्रांसफार्मर का नियमित अनुरक्षण जांच करने के लिए किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर के विद्युत रोधन के लिए जो है इसका जांच किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, SMPS की कार्य प्रणाली किस पर आधारित होती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, तो ये चापर सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। तो अगला था, यहाँ पर ऑफलाइन UPS को आवश्यकता होती है,
तो यूपीएस किसकी आवश्यकता होती है? बैटरी की आवश्यकता होती है। चार इसका जो है करेक्ट आंसर था। वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण क्या होता है? तो ये होता है वोल्टेज नियंत्रण की एक विधि है ये। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट था। तो आपके यूपीपीसीएल एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। ऊर्जा मापी एनर्जी मीटर में फ्लक्स का परिणाम किस में बदलता है? तो ये बदलता है असामान्य धाराओं व एवं वोल्टेज की वजह से ये बदलता है। अगला था ब्रेजिंग में प्रयुक्त स्प्लेटर सामान्यतः किसका बना होता है? तो ये कॉपर बेस और चांदी की मिश्र धातु का बना होता है। अगला था निम्नलिखित में से कौन सा घटक चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? तो ये कार्बन इंडक्टर जो है इसका करेक्ट आंसर था। फ्रेंड वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। निम्नलिखित में से किस वजह से तुल्यकालन की ब्राइट लैम्प विधि को डार्क लैम्प विधि पर वरीयता दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड था। एक विद्युत चालित स्त्री इलेक्ट्रिकल आयरन की बेस प्लेट तली में ऊष्मा किस प्रकार विपरीत की जाती है? तो चालन के माध्यम से जो है इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था, सामान्यतः सामान्य आयु और स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध जो होता है ये कितना होता है? तो ये किलो ओम होता है, यानी कि 1000 ओम इसका जो है सामान्य मनुष्य का जो है प्रतिरोध यहाँ पर होता है। एमीटर में संट का क्या कार्य होता है ये बताना था। तो धारा को बाईपास करना जो है एमीटर का कार्य होता है। साधारण मिक्सर की विद्युत शक्ति कितना होता है? तो इसकी विद्युत शक्ति जो होती है 400 वाट होती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। अगला था सिंगल फेज मोटरों में उपयोग किए जाना वाला प्रवर्तक संधारित्र यानी कि स्टार्टिंग कैपेसिटर निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो यहाँ पर जो है विद्युत अपघटनी संधारित्र कैपेसिटर यानी कि इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं जिससे आपको जो है सारे क्वेश्चन दिखाई दें, तो अब ठीक होगा। दिष्ट धारा डीसी मोटर के गति नियंत्रण के लिए कौन सी तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है? सामान्य गति से अधिक गति प्रदान करती है। तो ये तकनीकी होती है क्षेत्र नियंत्रण फील्ड कंट्रोल विधि होती है। तो अगला था यहाँ पर जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में अगर जोड़ संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली धारा जो होती है ये कितनी होती है? तो ये शून्य होती है। अगला सवाल यहाँ पर न्यूमेरिकल था जिसको सॉल्व करने पर यहाँ पर जो है 15 वोल्ट इसका जो है करेक्ट आंसर आया था। 4 बिट के समूह को क्या कहा जाता है? तो 4 बिट के समूह को क्या कहते हैं? निबल कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर था, निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क सेल है? तो इसमें से शुष्क सेल कौन सा है? जिंक कार्बन सेल जो होता है ये शुष्क सेल होता है। तो अगला सवाल भी यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया था, तो जिसका करेक्ट आंसर 1500 RPM इसका करेक्ट आंसर था। तो अगला सवाल ओम का नियम जो होता है का सही मान क्या होता है ये बताना, ओम का नियम का सूत्र बताना था। तो V बराबर होता है IR, तो I बराबर V/R भी लिख सकते हैं। इन्वर्टर परिपथ का उपयोग जो होता है किसके लिए किया जाता है? तो इन्वर्टर का उपयोग जो होता है DC को AC में बदलने के लिए जो है किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया था DC जनरेटर में ध्रुवों की संख्या और आर्मेचर चालकों की संख्या नियत होती है, निम्नलिखित में से कौन सी कुंडली अपेक्षाकृत उच्च विद्युत वाहक बल EMF प्रदान करेगी? तो तरंग कुंडली वेब बाइंडिंग जो है इसका करेक्ट आंसर था। असंतृप्त DC मशीन की आर्मेचर प्रतिक्रिया के परिमाण स्वरूप प्रभाव उत्पन्न होता है, तो प्रतिचुंबकन जो है इसका करेक्ट आंसर था।
क्वेश्चन नंबर अगला था, घर के बाहर लगाई जाने वाली लाइट की अंतर्वेशन सुरक्षा इंडक्शन प्रोटेक्शन की रेटिंग क्या होती है? तो IP65 जो है इसका करेक्ट आंसर था। अगला था, स्व परिमाणित यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर में होती है, तो इसमें जो है एक वाइंडिंग होती है। अगला सवाल था, यहाँ पर 3 फेज की मोटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर था, यह स्वतः परिवर्तित प्रवर्तित होती है और सचल कुंडलियों वाइंडिंग की आवश्यकता इसमें जो है होती है। तो अगला सवाल था, यहाँ पर जब किसी चालक बिलियन से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बिलियन के रंग में परिवर्तन होता है, तो यह का क्या दर्शाता है? तो ये धारा का रासायनिक प्रभाव को दर्शाता है। तो अगला सवाल भी न्यूमेरिकल था, इसका करेक्ट आंसर जो है 10 एम्पियर जो है इसका करेक्ट आंसर था। सोडियम वाष्प सोडियम वेपर लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो इसके द्वारा रंग जो होता है पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 39 था, भारत में अधिकांश बिजली उत्पन्न की जाती है, तो किसके द्वारा? ताप विद्युत संयंत्रों को संयंत्र के द्वारा जो है। अगला सवाल था, यहाँ पर 100 परिमाणित तो यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो ये परिवर्तनीय होता है और आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर या जो होता है इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट का एक उदाहरण होता है। तो एम्पियर आवर मीटर जो है इसका करेक्ट आंसर था। अगला सवाल था, एक टोस्टर का तापमान एलिमेंट किसके तार का बना होता है? तो ये नाइक्रोम के तार का जो है बनाया जाता है। केबल कड़कों लक्स को क्या कहते हैं? तो इसे केबल सूज कहा जाता है। भारत में घरेलू उपकरण आमतौर पर संचालित होते हैं, तो ये कितने वोल्ट पर संचालित होते हैं? 230 वोल्ट पर जो है ये संचालित होते हैं। अगला सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रोधक है? तो इसमें से किसमें विद्युत नहीं प्रवाहित होगी? तो ये प्लास्टिक इसका जो है करेक्ट आंसर था। पानी के पंप में प्रयुक्त कौन सी मोटर होती है? तो पानी के पंप में जो है प्रेरण इंडक्शन मोटर का जो है उपयोग किया जाता है। MPCB का पूरा नाम पूछा गया था, तो मोटर प्रोडक्शन सर्किट ब्रेकर जो है इसका करेक्ट आंसर था। तो अगला सवाल था, यहाँ पर किसी विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में अपेक्षित सामग्री के द्रव्यमान m की गणना करने के लिए प्रयुक्त व्यंजन यहाँ पर बताना था, तो m बराबर ZIT जो है इसका करेक्ट आंसर था। डीजल जनरेटर की ओवर स्पीड से सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो गवर्नर जो है इसका करेक्ट आंसर था। निम्नलिखित में से कौन सा बल का मात्रक है? तो न्यूटन जो है ये बल का मात्रक है। तो काफ़ी सरल क्वेश्चन पूछा गया था, केबल में क्या होता है? तो केबल में एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक चालकों का एकल विद्युत रोधक चालक एकल या लिपटे हुए तार होते हैं। निम्नलिखित में से किस बैटरी में विद्युत अपघट के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ये बैटरी कौन सी होती है? लेड एसिड बैटरी ये होती है। जनरेटर के इंस्टॉलेशन के दौरान यह सावधानी पूर्वक सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनरेटर के टर्मिनल और सभी नियंत्रण वायरिंग सही हो, तो ताकि किसका क्रम प्रणाली के साथ मेल खाता हो। तो ये फेज अनुक्रम जो है इसका करेक्ट आंसर था। अगला सवाल था, ट्रांजिस्टर में एम्पलीफायर किसके रूप में कार्य करता है? तो ये सक्रियण एक्टिव क्षेत्र के रूप में जो है कार्य करता है। बैटरी संतुलन परिपथ बैटरी बैसलिंग सर्किट में वृद्धि करता है, तो ये बैटरी के जीवन काल में जो है वृद्धि करता है। अगला सवाल था, भारत में सिंगल फेज यानी AC जो है कितने हर्ट्ज तक आवृत्ति तक प्रवाहित होती है? तो ये 50 हर्ट्ज जो है इसका करेक्ट आंसर था। काफ़ी सरल क्वेश्चन था। शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है EMF लगभग कितना होता है? तो ये 1.5 वोल्ट तक होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है करेक्ट आंसर था। अंतर्ध्रुवीय इंटरपोल वाइंडिंग निम्नलिखित में से किसके साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं?
तो इसका जो करेक्ट आंसर था आर्मेचर वाइंडिंग, इसका जो है करेक्ट आंसर था। यूपीएस का पूरा नाम पूछा गया था, तो इसको सभी जानते होंगे, अनटेरिपरेबल पावर सप्लाई जो है इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 60, ट्रांसफार्मर आयल की परावैद्युत सामर्थ्य प्रति मिमी में कितनी अपेक्षा होती है, तो ये 30 किलोवोल्ट जो है इसका करेक्ट आंसर था। और ये न्यूमेरिकल आया था जिसका करेक्ट आंसर 1000 वाट जो है इसका करेक्ट आंसर था। तो अगला सवाल था, दिए गए चित्र में दिखाए गए परिपथ को पहचानना था, तो ये परिपथ था धारा नियंत्रण और धारा स्रोत का जो है ये चित्र है। सोल्डरिंग के लिए तापमान की सीमा क्या होती है, तो सोल्डरिंग के लिए जो है तापमान की सीमा 180 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है। अगला सवाल था, यहाँ पर स्टार और डेल्टा संयोजन का यहाँ पर जो है विद्युत शक्ति कितनी होती है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर था। किसी भी उपकरण का भू संपर्कन प्रदान करेगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 1 जो है भू संपर्कन के लिए जो है संभव न्यूनतम प्रतिरोध पथ इसका करेक्ट आंसर था। भारत के घरों में सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज किस रूप में कार्य करता है, तो ये RMS वोल्टेज के रूप में जो है कार्य करता है। तो अगला सवाल आया था, टू वैल्यू कैपेसिटर रन मोटर के प्रदर्शन को किस में वर्गीकृत किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर था यहाँ पर इसकी भारी लोड को स्टार्ट करने की क्षमता द्वारा जो है इसका करेक्ट आंसर था। ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन के लिए फेज एंगल की अधिकतम सीमा क्या होती है, तो यहाँ पर प्लस बटे जो है -20 डिग्री इसका करेक्ट आंसर था। किसी फ्यूज का फ्यूजिंग एलिमेंट जो होता है ये किसका बना होता है, तो ये तांबे यानी कि कॉपर का बना होता है। तो अगला सवाल था, यहाँ पर लेड एसिड सेल की वाट घंटा दक्षता और किसके बीच परिवर्तनीय होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है 70% और 80% इसका करेक्ट आंसर था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, किसी फ्यूज की फ्यूजिंग एलिमेंट जो है ये किसका बना होता है, तो ये लगभग जो है माइका का बना होता है। तो यहाँ तक हो चुका है। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल या पश्च विद्युत वाहक बल की अवधारणा किस पर आधारित होती है, तो ये लेंज के नियम पर आधारित होती है। यदि और ये न्यूमेरिकल आया था यहाँ पर, यदि प्रचालन धारा 10 एम्पियर से 100 एम्पियर के बीच में है, तो परिपथ को सुरक्षित ढंग से ब्रेक करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पर MCCB का यहाँ पर उपयोग किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्राथमिक सेल की उपयोग विधि उपयोग अवधि जो होती है सर्वाधिक होती है, तो सबसे ज़्यादा जो सेल उपयोग किया जाता है वो लिथियम सेल उपयोग किया जाता है। इसको जो है दोबारा चार्ज कर सकते हैं। दिष्टकारी रेक्टिफायर परिपथ में फिल्टर कैपेसिटर का कार्य क्या होता है, तो उर्मिका रिपल यानी कि इसका बी आंसर करेक्ट था। तो अगला सवाल था, एकल फेज प्रेरण मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में संधारित्र कैपेसिटर का कार्य क्या होता है, तो ये उच्च प्रवर्तन आघूर्ण स्टार्टिंग टार्क को पैदा करना जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड ये थे आज के जो है यहाँ पर 23 जनवरी के प्रथम पाली में पूछे गए जो है 75 टोटल क्वेश्चन मैंने आपको बताए, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम UPPCL DMRC और जो है लखनऊ मेट्रो दिल्ली मेट्रो मेंटेनर आदि जितने भी पेपर होते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI लेवल से, तो उन सभी में ये आपकी जो है काफ़ी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड हमारे चैनल पर जो है कुल 9 वीडियो इसका अपलोड होगा, जिससे आपको जो है सारे रेलवे LP CBT 2 में पूछे गए जो है सारे क्वेश्चन आपको कवर करा दिए जाएंगे। तो कुल 9 वीडियो अपलोड होगा, हर वीडियो में जो है 75 क्वेश्चन रहेंगे, तो आप उन्हें देखना ना भूलिएगा। और अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित तथा UPPCL से संबंधित आपके लिए हर वीडियो अपलोड की जाएगी आपके जो है डिमांड पर, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।
और फ्रेंड अगर आप इसके पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इसके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।